बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बच्चों की दुनिया। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे आलू और पुदीने का रायता। तो ये चंद ही चीज़ों से बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि ज़बरदस्त सा और चटपट आलू पुदीने का रायता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और ये ज़बरदस्त सा रायता कैसे बनाया जाता है। तो दही लिए हम लोगों ने 1 kg, पुदीने और धनिया के हम लोगों ने कुछ पत्तियाँ ली है, इसे हम लोगों ने पहले धो लिया और अब इसे काट लिए। 1 बड़े साइज़ के हम लोग लेंगे प्याज, 1/2 किलो हम लोग लेंगे आलू, पहले से बॉईल कर लेंगे फिर छील के इस तरीके से पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 छोटे साइज़ का हम लोग टमाटर ले लेंगे, इसे इस तरीके से काट लेंगे छील के, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 हम लोग लेंगे दरमियाने साइज़ की हरी मिर्ची, इसे भी इस तरीके से काट लेंगे। और 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे नमक। तो इन सब चीज़ों की जरूरत होगी हमें आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए। तो बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं। सुबह सबसे पहले हम लोग चटनी बनाएंगे, ले लेंगे हम लोग जार, ग्रैंड जार, उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे पुदीने और धनिया की पत्तियाँ। तो ये हम लोगों ने पत्ती ऐड कर दी इसके अंदर। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। चलिए मिलते हैं जब हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। सुबह सबसे पहले हम लोग दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर ये जो गुठलियाँ बनी हुई है ये ख़त्म हो जाए और हमारी जो दही है एकदम स्मूथ और एकदम स्लाइमी हो जाए। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे फेंट लेना है ताकि एकदम क्रीमी हो जाए। सुबह से मैंने ब्लेंड कर लिया, जब मैं इसे ब्लेंड कर रहा था तो अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून यानी कि 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर दी। तो इससे ये एकदम क्रीमी हो चुका है, अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। तो ये ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। सुबह से हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर, प्याज, इसे आप लोगों ने बिल्कुल बारीकी से काट लेना है, और पोटैटोज यानी कि आलू उबले हुए जिसे हम लोगों ने बिल्कुल बारीकी से काट लिया था। तो ये आलू हम लोग ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए मिलते हैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद। तो इस साइज से ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से खूबसूरती से गार्निश कर लिए। तो अभी एकदम रेडी है। तो आपको ये रायते, आलू और पुदीने के रायते की रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।